सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। एंड आज की वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ लॉल्स बाई की जायरो सेंसिटिविटी सेटिंग। एंड यार, तुम लोग इस वीडियो को पूरे लास्ट तक जरूर से देखना। अब बहुत बंदे ये सोचेंगे कि भाई लॉल्स बाई की जायरो सेंसिटिविटी मेरे पास कहां से आ गई। तो भाई देखो, लॉल्स बाई की जायरो सेंसिटिविटी मेरे पास तो आ चुकी है, बट मैं तुम्हें ये चीज बता दूं कि ये जो सेंसिटिविटी है, तुम लोग को मैं इसका लास्ट में स्क्रीनशॉट भी दिखा दूंगा, जिससे तुम्हें यकीन हो जाए कि ये लॉल्स बाई की जायरो सेंसिटिविटी है। तो इस वीडियो को पूरे लास्ट तक जरूर से देखना, चैनल पर न्यू सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। एंड कौन से और प्लेयर की तुम्हें जायरो सेंसिटिविटी है चाहिए तो मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ। बाकी गाइस, अभी तक तुम लोगों ने टेलीग्राम पे फॉलो नहीं करा तो जल्दी से जाओ टेलीग्राम पे फॉलो कर लो, क्योंकि वहां पर तुम्हें फ्री के रिडीम कोड मिल जाते हैं और भी बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं, जिससे तुम लोग अपने रॉयल पास बाय कर सकते हो और यूसी बाय कर सकते हो। तो सिंपल में फॉलो करने के लिए तुम्हें सिंपल में जाना है अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर, यानी कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है। एंड वहां पर तुम्हें एक लिंक देखने को मिलेगी टेलीग्राम पे, उस पर क्लिक करना है एंड इजिली तुम लोग टेलीग्राम पे चले जाओगे और वहां पर सिंपल में तुम्हें फॉलो कर लेना है, एंड जिससे तुम लोग को जो है फ्री के रिडीम कोड मिल जाएंगे। तो यहां से सबसे पहले मैं आ चुका अपनी ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर में। एंड गाइस, यहीं पर ही मैं तुम्हें बताने वाला हूं तुम्हें क्या करना है, कौन सी सेंसिटिविटी सही रहेगी तुम्हारे लिए। बाकी गाइस देखो, यहां पर सबसे मेन बात, तुम्हारी जो खुद की सेंसिटिविटी है ना, उसका स्क्रीनशॉट जरूर से लेना। उसका स्क्रीनशॉट इसलिए लेना क्योंकि तुम लोग जो सेंसिटिविटी मैं तुम्हें बताने वाला हूं अभी लॉल्स बाई की, अगर तुम्हारे समझ में बिल्कुल भी नहीं आती, तुम्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है, तो सिंपल में तुम लोग अपनी खुद की सेंसिटिविटी दोबारा से कॉपी कर सकते हो, यानी कि पेस्ट कर सकते हो, और इसके बाद तुम लोग उसका यूज कर सकते हो। बाकी गाइस, अगर तुम लोग सिंपल में यहां से जाके सिंपल में कॉपी कर लेते हो तो तुम्हें भाई ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है कि तुम्हें अगर ये सेंसिटिविटी समझ में नहीं आएगी तो तुम्हारी पुरानी सेंसिटिविटी भी चली जाएगी। तो अभी यहां से मैं सबसे पहले बात कर लेते हैं टीपीपी नो स्कोप की, यानी कि हम लोग जायरो सेंसिटिविटी की बात कर रहे हैं। जायरो स्कोप सेंसिटिविटी में टीपीपी नो स्कोप देखने को मिलता है, जिसके अंदर हमें यहां पर से कर देना है 250%। एंड गाइस, एफपीपी नो स्कोप को कर देना हमें पूरा पूरा 400%। तो भाई देख सकते हो कितना सही रहेगा, टीपीपी नो स्कोप को कर देना 250% एंड एफपीपी नो स्कोप को कर देना 400%। एंड रेड डॉट होलोग्राफिक जो हमें यहां पर देखने को मिल जाता है, इसे हमें कर देना 300%। एंड गाइस, यहां से बात कर लेते हैं 2x स्कोप की, तो यहां पर से कर देना हमें 169%। एंड गाइस, यहां से हमें देखने को मिल जाता है 3x विन 94 जो बंदे चलाते हैं, उसे कर देना यहां से 180%। एंड यहां से अगर हम लोग बात कर लें 4x स्कोप की, जो बंदे भाई VSS वगैरह भी चलाते हैं, तो उसे यहां पर से कर देना है 180%। एंड गाइस, तुम लोग ध्यान से देख लो, अगर चाहो तो इसका जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, जो तुम लोग यहां से देख सकते हो। बाकी गाइस, 6x की बात कर लें तो यहां से इसे कर देना 65%। एंड गाइस, यहां से अगर हम लोग बात कर लें 6x स्कोप की, इसे कर देना तुम्हें 65%। एंड यहां से बात कर लें 8x स्कोप की, तो भाई 8x स्कोप को भी तुम्हें 60% पर रख देना है। तो यहां पर से 5% का चेंज है, बस सही है। तो यहां से हम बात कर लेते हैं ADS जायरोस्कोप सेंसिटिविटी की, इसके अंदर तुम्हें थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं। सिंपल में अनेबल करके डिसेबल कर देना, ऊपर वाली सेंसिटिविटी नीचे एकदम कॉपी हो जाएगी। एंड यहां पर तुम्हें थोड़ा बहुत चेंजेस करने हैं, तो मैं बता देता हूं क्या क्या चीजें चेंज करनी है। यहां पर से 6x थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, 8x थोड़ा बहुत चेंज हुआ है। एंड टीपीपी नोस्कोप को तुम्हें 250% पर रख देना है, एफपीपी नोस्कोप को तुम्हें 400% रख देना है। एंड गाइस, यहां से हम लोग बात कर रहे हैं रेड डॉट होलोग्राफिक को 300% रख देना है। 2x की बात करें तो इसे तुम्हें 300% रख देना है। एंड 3x विन 94 की बात कर लें, इसे 249%। और 4x स्कोप की बात कर लें तो तुम्हें इसे रख देना है 177%। एंड गाइस, यहां से हम लोग बात कर लें 6x स्कोप की, इसे कर देना तुम्हें 173%। एंड 8x स्कोप की बात कर लें तो तुम्हें कर देना इसे 64%। एंड गाइस, ये थी पूरी पूरी सेंसिटिविटी सेटिंग। और अगर स्क्रीनशॉट की बात कर लें तो भाई देखो, ये रहे पूरे पूरे स्क्रीनशॉट्स। आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी। एंड अगर ये वीडियो पसंद आई तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। एंड गाइस, इंस्टाग्राम पे जरूर से फॉलो कर लेना एंड टेलीग्राम पे ही फॉलो कर लेना। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।